बजाज फाइनेंस वाले ये मेरे को घर तक आ रहे, मेरे को परेशान कर रहे। HDFC वाले मेरे कर्ज। अस्सलाम वालेकुम, मैं मुनवी और आप देख रहे हैं एनडी टुडे न्यूज़। आइए डालते हैं आज की अहम खबर पर एक नजर। शामदीद मोहतरम नाज़रीन, आप तमाम का एनडी टुडे न्यूज में खैर मकदम है। फाइनेंसर्स की हरासानियां से तंग आकर एक और शख्स ने कर ली खुदकशी। कुलसमपुरा पुलिस स्टेशन लिमिट्स के दायरे अख्तियार के तहत निजाम नामी 31 साल शख्स ने फाइनेंसर्स की हरासानियों से तंग आकर अपने ही घर में फांसी लगाकर खुदकशी कर ली। निजाम ने खुदकशी से कबल अपना एक वीडियो भी बनाया, जिसमें इन्होंने इस बात का भी एतराफ किया कि बजाज फाइनेंस और दीगर कर्जदारों की जानिब से रोज रोज की हरासानियों से दिल बर्दाश्ता होकर वो खुदकशी कर रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए निजाम की अहलिया ने बताया कि 2 महीने कबल निजाम ने बजाज फाइनेंस से एक मोबाइल फोन लिया था और इंस्टॉलमेंट ना बनने पर फोन करके इन्हें पैसों की अदायगी का मुतालबा किया जा रहा था और घर तक भी कर्जेदार आकर इन्हें हरासा कर रहे थे। तमाम चीजों से दिल बर्दाश्ता होकर खुदकशी कर ली। इतला के साथ ही कुलसमपुरा पुलिस ने मौके पर पहुंचकर नाश को बगैर पोस्टमार्टम उस्मानिया दवाखाना के मुर्दाखाना मुंतकिल कर दिया। हमारे चैनल के जरिए हम तमाम नाजरीन से दर्दमंदाना गुजारिश करते हैं कि चाहे हालात कितने ही मुश्किल क्यों ना हो जाए, लेकिन खुदकशी जैसा बुजदिलाना वो इंतहाई कदम हरगिज भी ना उठाए। कोई भी मजहब खुदकशी की कतई भी इजाज़त नहीं देता। दीन इस्लाम में तो खुदकशी को हराम करार दिया गया है। वाज़ह रहे कि खुदकशी किसी भी मसले का हल नहीं होता। खुदकशी से इंसान तो बेशक ख़त्म हो जाता है, लेकिन इंसान की मुश्किलें कभी ख़त्म नहीं होती और पीछे रह जाने वालों के लिए भी ये सफ़र इंतहाई मुश्किल तरीन हो जाता है। लिहाजा कर्ज आज नहीं तो कल किसी भी हाल में अदा किया जा सकता है, लेकिन इंसान की कीमती जान का दूसरा कोई बदल नहीं होता। वास्ते ज्यादा टेंशन है, क्या करूं? मेरे को किसी का टेंशन नहीं है, कर्जा है, इसलिए मैं जा रहा हूँ। पुलिस को ही बोल रहा हूँ, इसमें किसी की कोई भी गलती नहीं है। ना मेरे घर वाले कुछ मेरे को टॉर्चर करे, ना कोई मेरे को कुछ टॉर्चर करे। मेरी ज़िंदगी, मेरे को कर्जा हो गया, बल्कि मैं खुद बजाज फाइनेंस वाले ये मेरे को घर तक आ रहे, मेरे को परेशान कर रहे। HDFC वाले मेरे कर्जदार मेरे को परेशान कर रहे, बल्कि मैं खुद फांस डाल दे रहा हूँ। नाम निजामुद्दीन है। उन्होंने फाइनेंस नहीं भरे थे बजाज कंपनी का मोबाइल का हफ्ता, तो फाइनेंस वाले बार बार परेशान कर रहे थे फ़ोन लगा के। दोपहर में घर पे भी आके गए उन्होंने डरा के। दोपहर में उन्होंने डरा को जाने के बाद ही हमारे मर्द ऐसा करे 6:30 बजे तक। ऐसा करे तो कैसा बच्चों की जिंदगी है, छोटे छोटे बच्चे। उन 1-2 महीने हो गए लगता। 2 महीने बाजार शोरूम में से लिए थे, अत्तापुर में से। तो EMI बनने का था, कितना बना था EMI? 2 महीने का, 2 महीने का बनने का था। 2000 में ज्यादा था। फोन था मेरे को कुछ भी नहीं बोले उन्होंने, सब उनके दोस्त को एक दिला के दिए थे। घर में परेशानी चल रही, 6 महीने से घर में बैठ गए थे उन्होंने। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, ऐसे 2 बच्चे हैं, एक बेटा एक बेटी। बार बार फोन लगा के परेशान कर रहे थे उन्होंने। मेरे को मालूम नहीं, बच्ची थी घर पे, मैं भी लोगों घर में काम को जाती हूँ, कोई भी नहीं था घर में। बच्ची थी तो बच्ची के सामने बोल के गए, डरा के गए, पैसे दो बोल के। हमारे मर्द अंदर बैठे हुए थे, उन्होंने कुछ भी जवाब नहीं दिए। मैं उनको बोली थी घर तक कोई भी कर्जदारा नहीं आना, देखो जी बोले तो उन्होंने चुप बैठे। इन्हों आँखों ऐसा परेशान कर रहे, बार बार फोन लगा रहे बोल के, हमारे मर्द कर लिए ऐसा। वीडियो भी बना के रखे उन्होंने, फाइनेंस वालों परेशान कर रहे बोल के, ऐसा करे बोल के। कहाँ करे, ये घर में करे? नहीं, दूसरे घर में करे। ऐसा नहीं करे, कंप्लेन करे, दवा खाने को लेके गए कुलसमपुरा PS में। तो कितने का फोन था वो? कौनसा फोन था, नाम क्या था? मेरे को मालूम नहीं कुछ भी। उन्होंने दोस्त को पैसों की जरूरत है बोल के कार्ड पे दिला के दिए थे।
क्या नाम है दोस्त का? मेरे को नहीं मालूम वो कुछ भी। मेरे को बोले खाली घर पे आके पैसे लाके दिए थे 2 महीने पहले कि ऐसा पैसे घर की तंगी चल रही बोल के दोस्त के दिला दिया। मैं हफ्ते भर तुम बोले लेकिन काम कहीं भी नहीं लगा था उनको। ये लोग बार बार परेशान कर रहे फोन लगा के। कितने दिन से परेशान कर रहे थे वो? फोन के आने से वालों का नाम वाम कुछ मालूम? कुछ भी नहीं मालूम। उनके फोन में सब है, उनके फोन में फोन आता था बार बार। क्या बोलो थे फोन पे वो लोग? फाइनेंस भरो नहीं तो उठाते बोल के बोल रहे थे। पेनल्टी लगा रहे, इससे पहले भी 2 दिन लेट हो गया, 900 रुपये एक बार कट करे, फिर 500 रुपये कट करे, एक्स्ट्रा पैसे चार्ज कर रहे बोल के वो टेंशन में आ गए थे लोग। क्या करते आपके हस्बैंड, क्या काम करते थे? ड्राइवर थे, गाड़ी चला रहे थे। 6 महीने से घर में